एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है तो आपको कैसे पढ़ाई करना है। यानी आज से आप लोग ऐसे पढ़ाई करेंगे तो 100% गारंटी है कि आप लोग पक्का टॉप करेंगे। तो यहाँ पे हम आप सभी को कुछ ऐसे ट्रिक और टिप्स बताएंगे और यहाँ पे अब आप सभी को स्मार्ट बनना है, ठीक है, और स्मार्ट स्टडी भी करना है। तो यहाँ पे आप लोग कैसे स्मार्ट स्टडी करेंगे कि सिर्फ आप लोग 4 घंटे ही पढ़ करके आप लोग अपनी बोर्ड एग्ज़ाम में 90-95% बहुत ही आसान तरीके से स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम आप सभी को कुछ ऐसे ट्रिक और टिप्स बताने वाले जो कि आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट ट्रिक और टिप्स क्या है जो कि आप सभी स्टूडेंट को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए पहला है कि फेल वह विद्यार्थी होता है, ठीक है, यानी फेल कौन विद्यार्थी होते हैं। यहाँ पे हम पहले आपको ये बताते हैं कि फेल वो विद्यार्थी होता है जो किसी काम को कल के लिए छोड़ देता है। यानी अक्सर कई स्टूडेंट हैं, आप सभी लोगों में से भी कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो किसी भी काम को कल के लिए छोड़ देते हैं। अगर उनके पेरेंट्स, ठीक है, या टीचर्स बोलते होंगे पढ़ने के लिए तो वो कहते होंगे अभी नहीं, अभी 1-2 महीने बाद पढ़ेंगे, ठीक है, कल पढ़ेंगे। तो ऐसे कई स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आप सभी को बता दे जो ऐसे कहता है, यानी ये जो है फेल वो विद्यार्थी होता है जो किसी काम को कल के लिए छोड़ देता है। तो यहाँ पे देखिए जो विद्यार्थी कल के लिए किसी काम को छोड़ देता है उसकी कंडीशन क्या होती है, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देखिए अब हम आप सभी को बता दें, अगर आप कल के लिए छोड़ेंगे, ठीक है, अगर आप लोग कल के लिए छोड़ेंगे, ठीक है, तो आप लोग निश्चित है, लिखित है मेरा, कि आप लोग ज़रूर फेल हो जाओगे एग्ज़ाम में। इसलिए अगर आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हैं और अपने एग्ज़ाम में एक अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग किसी भी काम को कल के लिए छोड़े। आजकल के सभी स्टूडेंट का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे तो आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम में जरूर टॉप करोगे, ये मेरी 100% गारंटी है। और आपका 90-95% लाने से नंबर कोई भी रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको हम नेक्स्ट यहाँ पे ट्रिक और टिप्स बताएंगे कि आपको प्रतिदिन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। ये नहीं कि आज आप लोगों ने कुछ सब्जेक्ट को पढ़ा, ठीक है, 3 सब्जेक्ट को पढ़ें, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट को कल के लिए छोड़ दिए, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको प्रतिदिन डेली, ठीक है, आपको ऑल सब्जेक्ट को पढ़ना है, चाहे आप लोग क्लास 10th में हो या क्लास 12th में, किसी भी क्लास में आप लोग हो, आपको प्रतिदिन सभी सब्जेक्ट को ज़रूर पढ़ना है। आप लोग सभी सब्जेक्ट को प्रतिदिन पढ़ेंगे तभी आप लोग अपनी बोर्ड एग्ज़ाम में 90-95% बहुत ही आसानी से स्कोर कर पाएंगे और आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट बन पाएंगे। क्योंकि जो टॉपर होते हैं ना वो सभी सब्जेक्ट को डेली पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं, ठीक है, रिविज़न करते हैं, तभी वो जाकर टॉप करते हैं। यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट को आपको 1-1 घंटे ही पढ़ना है, ठीक है, लेकिन आप सभी को मन, दिल और दिमाग लगाकर ही पढ़ना है। ये नहीं कि आपका मन नहीं लग रहा है और इसी तरह आपने बुक खोलकर बैठे हुए और आप सभी लोग अपनी कोरम पूरा कर रहे हैं कि हम प्रतिदिन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप लोग कम ही पढ़िए, सिर्फ आप लोग 4 घंटे ही पढ़िए लेकिन मन, दिल और दिमाग लगाकर पढ़िए, ठीक है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा आप लोग कंसंट्रेट में पढ़िए, काफ़ी ज़्यादा आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए जिस टॉपिक को आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर नहीं भी है ना तो आप लोग उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है, धीरे धीरे आपको उस टॉपिक से प्यार हो जाएगा, लव हो जाएगा और आप लोग को वो टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगेगा और आप लोग उसे डेली पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए और अपनी पूरी कंसंट्रेट आप उसी टॉपिक पे दीजिए जो टॉपिक को आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग सिर्फ बुक खोले हुए हो और आपका मन, आपका दिल कहीं स्कूल के कोई स्टूडेंट पे है, ठीक है, या दोस्तों के साथ जो आपने समोसा खाया उस पे है, या आपका कहीं भी इधर उधर मन भटक करा और इसी तरह आप लोग बुक को खोलकर बैठे हैं। तो ऐसी स्टडी किसी भी काम की नहीं है, यह आप लोग अपने लाइफ को धोखा दे रहे हो, ठीक है, अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो और आप आगे जाकर ऐसी कंडीशन में बहुत ही पछताएंगे। इसलिए अभी से आप लोग सभी सब्जेक्ट को सिर्फ 1-1 घंटे ही पढ़िए लेकिन आप लोग मन, दिल, दिमाग लगाकर पढ़िए।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। इससे पहले कि हम आप सभी को बता दें कि ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एक टॉपर स्टूडेंट हैं और आप लोग हमारी टॉपर की वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हो। इसलिए हम आप सभी को बता रहे हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, और समय के साथ अगर आप लोग ये जान जाओगे तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है, सिर्फ आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना है और बाकी आपको काफ़ी स्ट्रगल भी करना है। ठीक है, और आप लोग के रिजल्ट इतने अच्छे आएंगे कि आप लोग को खुद कॉन्फिडेंस नहीं होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हर एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है कि फ़ोन लिमिट में चलाएं। ठीक है, अगर आप लोग फ़ोन चलाते हो तो आप लोग उसे लिमिट में चलाइए, यानी आप लोग फ़ोन चलाने का समय बना लीजिए। ठीक है, यानी अगर आप लोग एक घंटा फ़ोन चलाते हो तो आप लोग एक घंटा समय बना लीजिए फ़ोन चलाने का। नेक्स्ट, अगर आप लोग डेढ़ घंटा चलाते हो, ठीक है, तो आप लोग डेढ़ घंटा समय बना लीजिए। लेकिन हाँ, आप इस एक घंटा अगर बनाते हो या डेढ़ घंटा, तो आप लोग सिर्फ एक घंटा और डेढ़ घंटा ही फ़ोन को चलाइए। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी फ़ोन बंद करके दूर रख देना है। इससे ज़्यादा अगर आप लोग फ़ोन चलाओगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और आप लोग एग्ज़ाम में बहुत कम नंबर लाएंगे, फेल भी हो जाएंगे। इसलिए आप लोग फ़ोन को चलाने का लिमिट बनाइए। ठीक है, तो आप लोग देखिए, अगर आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ने के बाद आप लोग बुक को क्या कर देते हो, बंद करके रख देते हो। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग फ़ोन देखते हो, तो एक घंटा आपने टाइम टेबल बनाया तो एक घंटा आप लोग फ़ोन देखिए, फिर उसके बाद आप लोग फ़ोन को बंद करके रखिए। तो आप लोग फ़ोन को क्यों खोल कर रखेंगे, जब बुक को बंद कर देते हो तो आप लोग फ़ोन को भी बंद करके रखेंगे। ठीक है, या आपके बड़े आपके घर में मम्मी पापा हैं, ठीक है, या बड़े भाई बहन हैं, तो उसे आप लोग अपना फ़ोन दे दीजिए कि ठीक है हमने एक घंटा या डेढ़ घंटा चला लिया, अब इसके बाद हम फ़ोन नहीं चलाएंगे, आप अपने पास रख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह आप लोग फ़ोन को चलाने का एक लिमिट टाइम बनाइए। और हाँ, हम आप सभी को बता दें कि फ़ोन में कई ऐसे ऐप दिए हुए हैं जिसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग जो फालतू के ऐप हैं इस समय स्टडी टाइम में आप लोग उसे डिलीट कर दीजिए। ठीक है, या आप लोग लिमिट में चलाते हो तो उसे रहने दीजिए, सिर्फ आप लोग एक से डेढ़ घंटा ही फ़ोन को चलाइए। ठीक है, तो आप लोग जिस टाइम फ़ोन को चलाने का जो टाइम बना रहे हो वो आप लोग हमें कमेंट करके भी ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे कि हम आप सभी को उसी टाइम अपने स्टडी से रिलेटेड वीडियो को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो देखिए एक घंटे में आप लोग फ़ोन को हमारे स्टडी वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, यानी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोग स्टडी कर सकते हो फ़ोन से ऑनलाइन। इसके अलावा आप लोग स्टडी से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियो भी देख सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए एक गुड मार्क्स लाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीका भी है। तो यहाँ पर देखिए जो टॉपिक आपके स्कूल में, ठीक है, आज पढ़ाया गया है, उसे घर आकर आप ज़रूर रिवीजन करो। ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग सभी चीज़ों को पढ़ लिए, अगर रिवीजन नहीं किए तो आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही कम नंबर लाएंगे, यानी आप लोग रिवीजन नहीं किए तो सिर्फ 60% ही लाएंगे। ठीक है, अगर आपने रिवीजन कर लिया तो 90 से 95% लाने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो इसलिए आप लोग रिवीजन ज़रूर करें एग्ज़ाम के 2 महीने पहले। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल अच्छे तरीके से अगर आप लोग रिवीजन करोगे तो आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर टॉपर बनोगे, और आपको 95 से प्लस अधिक नंबर भी लाने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो इसलिए आप लोग एग्ज़ाम के 2 महीने ज़रूर रिवीजन कीजिए। और हाँ, फिलहाल आपको जो टॉपिक स्कूल में पढ़ाया गया है उसे आप लोग डेली रिवीजन कीजिए। ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स, जो कि आप सभी को बोर्ड परीक्षा में एक टॉपर स्टूडेंट बनाकर ही छोड़ेगी। तो आप लोग हमारे इन इंपॉर्टेंट जो ट्रिक थे उसे आज से ही आप लोग फॉलो कीजिए, और आप लोग 100% हम गारंटी देते हैं कि पक्का टॉपर बनोगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, और हमारे इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।